मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग का क्या यूज़ होता है जावा के अंदर, और इसकी कुछ इनबिल्ड मेथड्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावा में स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जावा के अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, और जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है एक क्लास होती है। और ये किस टाइप की होती है? अनम्यूटेबल। अनम्यूटेबल मीन्स जिसके एलिमेंट को हम एडिट या चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग को चेंज करना भी चाहेंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो हम एक नया प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग का। तो इसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और हम इस क्लास का नाम देंगे स्ट्रिंग क्लास, और हम यहाँ पर मेन मेथड ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम इसका देते हैं डिजिटल लर्निंग। देन हम दूसरी तरह से भी एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। न्यू कीवर्ड के थ्रू भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। मैं अपना यह नाम प्रिंट करवा देता हूँ, अरविंद चौधरी। देन हम क्या कर लेते हैं, इनको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम system.out.println और इसमें हम पास कर देते हैं s1। देन हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिजिटल लर्निंग हमारा प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 2 को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, s2। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ होती है लेंथ मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को निकाल लेते हैं, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग s1.length मेथड एक हमारी होती है, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ लेंथ। तो ये क्या मुझे देगी, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देगा, 16 कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर। देन सिमिलरली हम s2 की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, s2 की भी लेंथ निकाल सकता हूँ। ओके, मैं इसमें एक दो चीज़ें और बढ़ा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, उसने मुझे लेंथ स्ट्रिंग 1 की लेंथ निकाल के दे दी स्ट्रिंग 2 की। देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट, एक हमारी मेथड होती है। तो कॉन्केट मेथड क्या होती है, इन दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग s1. यहाँ पर कॉन्केट एक मेथड होती है, कॉन्केट, और यहाँ पर हम पास करते हैं स्ट्रिंग s2। तो यहाँ पर हम इसको अगेन रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरी स्ट्रिंग s1 और स्ट्रिंग s2 दोनों ऐड हो चुकी। देन एक हमारी मेथड होती है स्टार्ट विथ। तो यहाँ पर हम एक बूलियन वैल्यू लेते हैं, बूलियन
एक्स ले लेते हैं, देन यहाँ पर हम करते हैं एस वन डॉट स्टार्ट विथ, एक हमारी मेथड है, और इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है डी। मीन्स ये क्या हुआ, जो डी जो हमारा एस वन जो स्ट्रिंग है वो डी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हुआ या नहीं। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मैं यहाँ पर इफ और इसके अंदर हम लेते हैं एक्स इफ, मीन्स अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है देन क्या देगा ये हमें, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इफ अगर ये ट्रू ही मीन्स यहाँ पर हम क्या करवा लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट विथ डी, स्टार्ट विथ डी, और अगर ये नहीं हुआ मीन्स तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा लेते हैं, नॉट स्टार्ट विथ डी, यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं नॉन स्टार्ट विथ डी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, तो ये हमें क्या दे दिया, डिजिटल स्टार्ट विथ डी मीन्स ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई। अगर मैं इसे डी को हटा देता हूँ देन क्या होता है, ये आपको देगा डिजिटल सॉरी नॉट स्टार्ट विथ डी, ओके या सॉरी हमने यहाँ पर हाँ यहाँ पर अगेन हम इसको रन करते हैं नॉट स्टार्ट विथ डी, और अगर हमने यहाँ पर डी लिया तो ये हमें देगा स्टार्ट विथ डी, ओके। देन नेक्स्ट हम आते हैं, एक हमारी मेथड होती है, सॉरी अगर हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना है, इस सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे पी, स्ट्रिंग पी, पी इक्वल्स टू, तो ये क्या हमारी एक मेथड होती है, हम यहाँ पर एस वन और यहाँ पर हम देते हैं डॉट, एक हमारी मेथड होती है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें क्या देना होगा, इसमें दो पैरामीटर का पास करने होंगे, सपोज मैं यहाँ जीरो देन नेक्स्ट मीन्स ये कौन से इंडेक्स से कौन से, मतलब इसका हमें यहाँ पर इसमें दो पैरामीटर पास करने होंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड एंडिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस पी को प्रिंट करवा लेते हैं, तो ये हमें क्या देगा, सब स्ट्रिंग देगा, और उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होगी और एंडिंग इंडेक्स कौन सा, सेवन, तो ये इसने हमें दे दिया। देन हम क्या पर एक हमारी मेथड होती है टू अपर, वो क्या करती है, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगी, तो यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अपर, अपर देन यहाँ पर हम लेंगे एस वन डॉट टू अपर, एक मेथड होगी हमारी टू अपर केस, तो यह हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये हमने क्या अपर केस में देख लिया। अब सपोज मैं इसको लोअर केस में चाहता हूँ, तो यहाँ पर है हमारी मेथड होती है टू लोअर, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं टू लोअर, टू लोअर केस, तो ये हमें क्या देगी, ये हमें क्या कर देगी, लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा, स्ट्रिंग का क्या यूज़ होता है ये भी हमने देखा, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे, और बहुत सारी स्ट्रिंग की मेथड हो सकती है, टू स्ट्रिंग मेथड,
तो ये आप अपने आप देख लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.